तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे सब डोमेन एन्यूमरेशन सीरीज। ये सीरीज है एक रास्ता गाइड, जहां हम आपको सिखाएंगे कि सब डोमेन एन्यूमरेशन के किन तरीकों से, किस प्रकार से एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम बन सकता है आपके साइबर सिक्योरिटी और वेब सिक्योरिटी जर्नी में। आपने पहले ही हमारे पिछले एपिसोड्स में देखा सब डोमेन एन्यूमरेशन के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि एन्यूमरेशन के बाद आपको और क्या करना चाहिए। हमें पहले ही अपनी सीरीज में डायरेक्टरी सर्चिंग और गिटहब डॉकिंग पर बात की है, तो सब डोमेन एन्यूमरेशन के बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से। अगर आपने वो एपिसोड्स मिस किए हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे आपको कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फॉर्मेशन वैसी मिल जाएगी आप लोगों को, जो आप हंट करते टाइम पे आपको उन इन्फॉर्मेशन की बाद में इम्पोर्टेंस समझ आएगी। लेकिन अब सवाल ये है, एन्यूमरेशन के बाद क्या, मतलब हमने डायरेक्टरी सर्चिंग की, गिटहब डॉकिंग की, तो इसके बाद अब और क्या, कैसे हम इन सब डोमेन्स को इफेक्टिवली एनालाइज करेंगे, कैसे हम उनमें छुपी हुई वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढेंगे और को रिपोर्ट करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो एक बार इस वीडियो में हम लोग करेंगे गूगल डॉकिंग। हमने पिछली वीडियो में हमने किया था गिटहब डॉकिंग, अब हमारा होगा गूगल डॉकिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सर्च इंजन है कि गूगल डॉकिंग के ऊपर बना हुआ है, तो पहले तो हम इस सर्च इंजन को यूज़ करना सीखें। तो उसके लिए पहले तो हम एक अपनी जो वेबसाइट है जिस पे हम टेस्ट करते हैं उस वेबसाइट को देखेंगे। तो हम लोग पहले तो यहाँ पे अपने जो टारगेट डोमेन्स है वहाँ पे हम डाल देते हैं और फिर इसके बाद हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्टरी लिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज है वो इसने यहाँ पे बता दी है। और भी आप देख सकते हैं जैसे कि इंडेक्स ऑफ एडमिन, क्योंकि हमने एक और वीडियो में भी ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी थी, इंडेक्स ऑफ टेम्पलेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल रखी है और जो कि इस वीडियो में, मतलब अगर आपको ये फाइंड हो तो ये सेंसिटिव हो सकती है, तो आपको इनको ज़रूर चेक कर। तो हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो ये आइडिया डॉट आइडिया है ये हिडन होता है, आपको पता ही होगा, ये भी मतलब वल्नरेबिलिटीज ही है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ip addresses.txt, तो ये एक आईपी एड्रेस है। अगर आपको किसी वेबसाइट में जैसे यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ये क्या फाइल्स बताएंगे, XML फाइल्स और मतलब टेक्स्ट फाइल्स और भी बहुत सारी फाइल्स का बताएंगे आपको। एक्सपोज डाटाबेस, मतलब SQL एरर्स, मतलब SQL.SQL करके जो फाइल्स होती है उनका हमें ये नहीं है, लॉग बैकअप और ओल्ड फाइल्स। तो अभी लॉगिन पेज, अभी एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि हमें जो पता है वो लॉगिन पेज है, सिर्फ और सिर्फ ये हमें पता है, बट ये वाला तो शायद सेम है, हाँ ये भी सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, ये दूसरा एक लॉगिन पेज, एक और लॉगिन पेज है, ये एक और लॉगिन पेज है शायद, हाँ ये एक और लॉगिन, और ये भी एक और लॉगिन पेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे लॉगिन पेजेस मिल गए हैं, और आपको पता है कि लॉगिन पेजेस में बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, तो हम लोग वो वल्नरेबिलिटी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक फ़ायदा तो आपका ये हो गया। तो अभी चलते हैं SQL एरर्स में, नहीं है कुछ भी, पब्लिकली एक्सपोज्ड डॉक्यूमेंट्स, PHP इनको,
हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल जाती है, जैसे कि ये जो अगर ये PHP रन कर रहा है तो ये कौन सा वर्जन रन कर रहा है, ये हमें यहाँ पे पता चल गई। मतलब जिस भी जो भी एक्सटेंशन होगी PHP करके वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये देख आप देख सकते हैं PHP वर्जन यहाँ पे हमें मिला है इस वेबसाइट का, और भी बहुत सारी मतलब ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ही है, तो ये भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और मतलब इसमें नहीं कर सकते, बट अगर आपको कभी तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस यूज हो रहा है वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस, फिर आप वर्डप्रेस अगर किसी वेबसाइट में यूज हो रहा है, वर्डप्रेस में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है हम वो सारी चीजें भी चेक करेंगे। फिर जैसे हमें पता चल गया कि इस वेबसाइट में वर्डप्रेस यूज, उसके बाद जो वर्डप्रेस की कॉमन वल्नरेबिलिटी है वो चेक करेंगे, WP स्कैन चलाएंगे, नेसेस और भी बहुत सारी चीजें, बैकडोर्स नहीं है। मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें वो नहीं मिलता है और उसकी जगह कुछ और रिजल्ट होता है, बट हमें एक बार वो चेक करना है कि वो रियल है, सब सही है या गलत है। ओपन रिडायरेक्ट्स, ये जैसे कि हम यहाँ पे ये ओपन रिडायरेक्ट का वो है, ये इन URL, और ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो सही पेज है, मतलब मैं भी कुछ नहीं, डस्टबिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। मतलब मैंने कभी वो नहीं किया है। इसके अंदर जो जो इसके एम्प्लॉयज़ है लिंक्डइन पे वो हमें मिल सकते हैं, सेंसिटिव HTAccess फाइल शायद इस, ये तो कोई और ही। तो सब डोमेन्स, इसके ये सब डोमेन्स हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे सब डोमेन्स आपको अलग से मिल सकते हैं, क्योंकि तो मैंने एक अपनी एक और वीडियो में भी बता रखा है ये सब सब डोमेन्स, ये भी आप चेक कर सकते हैं वर्डप्रेस में वर्क कर रहा है या नहीं। बट और भी चीज़ें आ रखी है गिटहब पे, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी ने बना रखा है अपना वो क्या क्या वल्नरेबिलिटी है उस इस वेबसाइट में वो। और यहाँ पे भी बैक डेट, मतलब हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं हम लोग क्या कैसी थी ये पहले के अभी कैसी है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। और ये भी वही है सर्टिफिकेट ट्रांसफर .sh में भी हमें मिल सकता है कुछ। ओपन बग बाउंटी, इसमें भी हो सकता है कि मतलब इसका नहीं, बहुत सी वेबसाइट्स का हमें मिल जाता है, मतलब बहुत सारी का मिला हुआ है मुझे, और वो हेल्प करता है, एक वल्नरेबिलिटी वहाँ पे निकाली हुई है तो उससे हमें और वल्नरेबिलिटीज का पता चलता है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी में हो सकता है। यूपी कॉन्फिग शोडान में देख ले, SQL फाइल फाइल, तो इतना तो ये तो हमने इस वेबसाइट पे देखा। अभी हम एक बार ट्राई करते हैं एक और वेबसाइट का, 5 मिनट और देखेंगे उसका। तो कोई टेस्ला .com, हमने पिछले में शायद मैंने यही किया था, याद है robot.txt, ये बहुत काम के होते हैं तो इनको आप जरूर वो करें। ये न्यू मतलब इनको हम लोग एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं जो कि हमें आगे काम आए,
जैसे कि हमें कोई ऐसा वो मिला है तो उसमें हम यहाँ पे फजिंग, तो फजिंग नहीं तो भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंस्टॉल mysql.txt आप बताइए। परमिशन नहीं है इसमें तो 403 को हम बाईपास कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा एक्सेस डिनाइड, तो ये एक्सेस डिनाइड है, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। फिर हम ये भी ट्राई करेंगे XMLRPC, मतलब इसमें वर्डप्रेस रन कर रही है जितना कि हमें पता है। ना पता ये भी एक्सेस डिनाइड, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल सकती है हमें। लॉगिन पेजेस हैं, इन सब पेजेस पे आप देख सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज बहुत सारी होती है लॉगिन पेजेस में, PHP इन्फो, फाइंड वर्ड, वर्डप्रेस इसमें वर्क कर, ये तो हमें पता ही है। फाइल्स रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट यहाँ पे भी रीडायरेक्ट नो लिखा आ रहा है। फाइल इसमें सब डोमेन्स इसके, और इससे अच्छा सब डोमेन्स ही है। इस पे आप अगर ट्राई करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस है कोई आपको वो वल्नरेबिलिटीज, और भी आप देख सकते के बाद एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता था, WP अपलोड्स, ये अपलोड थोड़ा सा कॉन्फिग फाइल, प्रदान में आप पोर्टल फाइल अपलोड गिटहब एप बैकअप यहाँ पे कुछ। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सप्लॉइट डीब, और यहाँ पे है गूगल डेटाबेस। तो इसमें .com कर सकते हैं, क्या है कुछ भी इसमें वर्डप्रेस चल रही है मुझे यहाँ तक पता है। वहाँ पे XMLRPC जो था आ रखा था, देख लेते हैं इसमें वर्डप्रेस चल रही है या नहीं। वर्डप्रेस अरे ड्रूपल बता, और ड्रूपल के लिए भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ड्रूपल में जो वल्नरेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी शायद ड्रूपल। तो अब हम एक बार लॉगिन सिर्फ ड्रूपल देख, तो ये बैकएंड, ये तो इनकी जॉब है।
ये भी नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार और कुछ देखते हैं, कि वहां पे XMLRPC था, ये शो नहीं कर, बट पर मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारी वेबसाइट्स के तो वो है XMLRPC, आपको में सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट वर्क करेगी, तो आपको एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए। तो ये है हमारा गूगल हैकिंग डाटाबेस, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और मतलब मुझे जो लगता है ना, गूगल मतलब गूगल डॉकिंग बहुत ईजी है, मतलब इजी नहीं बट बहुत काम की चीज़ है। तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे डॉक्स हैं, 560, और तब बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। क्या पता आपको कोई वल्नरेबिलिटी ऐसे ही मिल, तो आपका अगला स्टेप होगा आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कि बग बाउंटी के बारे में सीखना चाहता है तो उसको भी आप शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के